नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गर्भ में शिशु अम्बिलिकल कॉर्ड से माँ से जुड़ा होता है और इस कॉर्ड से गर्भ में बच्चे का विकास होता है। उसे खून, ऑक्सीजन, विटामिन्स, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन कभी कभी यह गर्भनाल कुछ कारणवश गर्भस्थ शिशु के गले से लिपट जाती है। जब ऐसा होता है तो इसे न्यूकल कॉर्ड कहा जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बेबी के गले में नाल के दो फेरे हैं, तीन फेरे हैं या एक फेरा है, और ऐसे सिचुएशन में माँ एंग्शियस हो जाती है, इससे मेरे बेबी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज हम इसके बारे में ही इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले नाड़ से संबंधित और एक बात मैं आपको कह दूँ, आपका शिशु आपसे गर्भनाल से जुड़ा हुआ है, वैसे वो फिजिकली और मेंटली भी आपको जुड़ा है, इसीलिए आपके शिशु को आप गर्भावस्था में मन चाहा आप बना सकती है, उसे सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और दैदीप्यमान ऐसा डेवलप कर सकती है। जी हाँ, गर्भ संस्कार से। यदि अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहाँ पे जाके डाउनलोड कीजिए संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और घर बैठे करिए संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिससे आप बन सकती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मॉम ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेबी। चलिए इस वीडियो में जानेंगे न्यूकल कॉर्ड क्या है, न्यूकल कॉर्ड होने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण देखे जाते हैं, न्यूकल कॉर्ड के कारण डिलीवरी पर क्या असर होता है, क्या जब कॉर्ड बेबी के गले में लिपटी हो तो सीजर करना पड़ता है या नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल होती है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अभी तक आपने संजीवन गर्भ संस्कार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। गर्भनाल वॉटनस जेली नामक मुलायम टेक्सचर से ऊपर से बनी होती है और उसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरीज, वेन्स हेल्दी और सुरक्षित रहते हैं। इस जेली की वजह से नाल दबने के बावजूद भी, इस पर प्रेशर आने के बाद भी ब्लड फ्लो नहीं रुकता है। गर्भावस्था के दौरान बेबी गर्भ में घूमता है और जिसके कारण अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में लिपट जाती है। लगभग हर तीन से चार बेबी के गले में नाल लिपटी हुई पाई जाती है। गर्भवती महिलाओं में यह देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान जब बच्चे के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड बनती है या लिपटी हुई रहती है तो इसे न्यूकल कॉर्ड कहा जाता है, जबकि बच्चे के गले में चाहे एक बार या दो बार या तीन बार भी नाल लिपटी हुई क्यों ना हो, यह जेली उसको टाइट नहीं होने देती है। ज़्यादातर बच्चों के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड ढीली बनती है और इसीलिए बेबी को कोई भी हानि नहीं होती है, लेकिन डिलीवरी के समय न्यूकल कॉर्ड बच्चे के गले में यदि टाइट लिपटी जाती है तो उससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अब जानते हैं डबल न्यूकल कॉर्ड क्या होती है। जब शिशु के गले में अम्बिलिकल कॉर्ड दो बार लिपटी होती है तो उसे डबल न्यूकल कॉर्ड कहा जाता है। न्यूकल कॉर्ड होना यह आम बात है, हर तीन से चार बच्चों में एक बच्चे को यह समस्या होती है, लेकिन न्यूकल कॉर्ड होने के बावजूद भी गर्भस्थ शिशु तब तक पूरी तरह से हेल्दी रहता है जब तक कॉर्ड में कोई गंभीर समस्या ना हो। अब जानते हैं न्यूकल कॉर्ड होने के क्या कारण होते हैं। पहला कारण, अम्बिलिकल कॉर्ड की लंबाई। नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ हाफ मीटर या 50 to 60 सेंटीमीटर इतनी होती है। गर्भ में बेबी घूमता है तो कई बार घूमते समय गर्भनाल शिशु के गले में लिपट जाती है, यह एक कारण हो सकता है न्यूकल कॉर्ड होने के लिए। दूसरा कारण है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड यदि ज़्यादा मात्रा में है तो गर्भ में शिशु इसमें तैरते रहता है, इसीलिए कॉर्ड में गांठ लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है ट्विन्स प्रेगनेंसी। गर्भ में यदि जुड़वा बच्चे हैं और वह भी एक ही एमनियोटिक सैक में, तो इसकी वजह से अम्बिलिकल कॉर्ड किसी भी बच्चे के गले में फंस सकती है। चौथा कारण है वॉटनस जेली पर्याप्त मात्रा में ना हो। यह जेली मुलायम जेल के जैसी होती है जो कॉर्ड के अंदर ब्लड वेसल्स को अच्छे से सुरक्षित रखती है। यदि इस जेल की मात्रा पर्याप्त नहीं है तो इसे भी न्यूकल कॉर्ड हो सकता है।
पांचवा कारण है बेबी की मूवमेंट्स यदि ज़्यादा होती है तो इसके कारण भी बच्चे के गले में न्यूक्रल कॉर्ड उलझ सकती है। चलिए यह तो हो गए कारण, अब देखते हैं न्यूक्रल कॉर्ड के लक्षण क्या होते हैं। एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड नेक होने के कुछ संभावित लक्षण या संकेत नहीं है, लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि न्यूक्रल कॉर्ड हो सकता है, जैसे बच्चे के हार्ट रेट एबनॉर्मल होना। दूसरा है बच्चे का मूवमेंट कम होना। यदि गर्भावस्था के 37 वीक्स के बाद गर्भ में बच्चे के मूवमेंट्स कम फील हो रहे हैं तो यह न्यूक्रल कॉर्ड होने के लक्षण भी हो सकते हैं। अब यदि न्यूक्रल कॉर्ड है तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? अल्ट्रासाउंड की मदद से न्यूक्रल कॉर्ड का पता लगता है। कलर डॉपलर की मदद से भी यह काम और भी आसान हो जाता है। तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको अल्ट्रासाउंड या कलर डॉपलर और कुछ टेस्ट होती है जो करने के लिए बोल सकते हैं। अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट बात, न्यूक्रल कॉर्ड होने से क्या समस्या हो सकती है और आपको क्या ध्यान रखना है। पहले तो यह बात समझ ले कि बेबी के गले के अराउंड गर्भनाल होने से बेबी को सांस लेने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। माँ सांस लेती है, उससे जो ऑक्सीजन उसके ब्लड में जाता है वह ब्लड आपके बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से मिल जाता है। इसीलिए गले से लिपटी कॉर्ड बेबी को रेस्पिरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं देती है। और दूसरा, आपको आपकी तरफ से बेबी की मूवमेंट पर ध्यान रखना है। दिन भरे में बेबी की 2 से 3 बार कम से कम मूवमेंट आपको चेक करनी होती है। और जब आप मूवमेंट चेक करती है तब नॉर्मली जितने मूवमेंट्स आप फील करती है यदि वो वैसे ही फील हो रही है तो आपका बेबी सुरक्षित है। अब देखते हैं कि यदि गर्भनाल बेबी के गले से लिपटी है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या सीजर करना पड़ सकता है। न्यूक्रल कॉर्ड यदि है तो जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। इन सच केसेस आपको लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए ताकि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली बेबी के हार्ट बीट्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। कभी कभी न्यूक्रल कॉर्ड होने के कारण लेबर पेन प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। ऐसे में यदि बहुत देर तक लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद डिलीवरी ना हुई तो डॉक्टर टाइम पे सीजर भी कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपके बेबी के नेक अराउंड अम्बिलिकल कॉर्ड है तो बिल्कुल ना घबराए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के सजेशन से प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ले और आपको जैसे उन्होंने बताया वैसे सोनोग्राफी भी करनी है। तो एंग्शियस बिल्कुल भी ना हो और डरे भी ना। डर के बदले आपके गर्भस्थ शिशु को कैसे सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी बनाना है इसके ऊपर ध्यान दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।